नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है। हम महज $1 अरब के लिए रुस्वा हैं, जबकि कॉलम निगार हैं यासिर पीरजादा और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। हम महज $1 अरब के लिए पूरी दुनिया में जलील होते हैं। इस $1 अरब के लिए कभी हम सऊदी अरब की मिन्नते करते हैं और कभी IMF के पांव पकड़ते हैं। आलमी साहूकार हमारी हालत पर तर्स खाकर अपनी जेब से चंद डॉलर निकालता है और सादा कागज पर दर्जनों शराइत लिखवा कर दस्तखत करवा लेता है ताकि हम उसका कर्जा सूद समेत वापस करने के काबिल हो सकें। इसके बाद हम एक गैरतमंद कौम की तरह वो तमाम काम करने में जुट जाते हैं जिसका IMF हमें हुक्म देता है। लेकिन अजीब बात ये है, हम हर साल तकरीबन $125 अरब मुल्क के 800 अमीर तरीन खानदानों पर यूं लुटा देते हैं जैसे कोई तमाशबीन गाना देखते हुए वेलें देता है। ये 800 खानदान वो हैं जो टेक्सटाइल मिल मालिकान और एक्सपोर्टर्स बनकर मुल्क पर दिन दिहाड़े $125 अरब का डाका डालते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं। असल में शायद इनकी तादाद 800 से भी कम हो, क्योंकि ये एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं और कई कंपनियों में पयक वक्त हिस्सेदार हैं। ये मुल्क के वो अमीर तरीन लोग हैं जो डॉलरों में करोड़पति हैं, मगर रियासत पाकिस्तान इनको सालाना 1.2 अरब डॉलर की रियायत देती है। तरीका वारदात इनका बहुत दिलचस्प है। रियासत के इन लाडले खानदानों का दावा है कि हम मुल्क की खिदमत पर मामूर हैं। हम वो कमाऊ पूत हैं जो अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे मुल्क के जरे मुबादला के जखायर में इजाफा होता है, मुल्क की सिक्योरिटी और दिफा का निज़ाम चलता है, लिहाजा हमें खसूसी मराद दी जाए। ये कहानी सुनाने के बाद ये लाडले खानदान हुकूमत से फरमाइश करते हैं कि चूंकि इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए नहायत महंगी और जदीद मशीनरी लगाई हुई है और ये मशीनरी वाबडा की नाकाबले एतबार बिजली पर नहीं चलाई जा सकती क्योंकि वाबडा की बिजली की तरसील का निज़ाम नाकिस है, लिहाजा उन्हें न सिर्फ बिजली बनाने के लिए अपना पावर प्लांट लगाने की इजाज़त दी जाए बल्कि उस पावर प्लांट के लिए गैस भी मुहैया की जाए। बात अगर यहाँ तक रहती तो काबिले कबूल थी, मगर असल डकैती इसके बाद शुरू होती है। जिस गैस से ये बिजली बनाते हैं वो गैस रियासत पाकिस्तान महंगे दामों इंपोर्ट करके इन लाडले खानदानों को अर्जा निर्ख पर मुहैया करती है और यूँ इस मद में रियासत की जेब पर $125 अरब का इजाफी बोझ पड़ता है और ये $125 अरब सीधा मुल्क के इन 800 खानदानों की तजोरी में चला जाता है जो पहले ही अरबपति हैं। इस बात को सादा अल्फाज में यूं समझें कि हमारे मुल्क में जो गैस पैदा होती है उसके एक यूनिट की कीमत आप $4 फर्ज कर लें और वही गैस जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो हमें फर्ज करें $15 में मंगवानी पड़ती है, मगर हम रियासत के इन दामादों से $15 की लागत वसूल करने की बजाय उन्हें रियायती कीमत यानी $4 में फरोख्त कर देते हैं और यूं रियासत अपने इन दामादों को $125 अरब की सलामी पेश करती है। यही नहीं बल्कि इन नाम नेहाद एक्सपोर्टर्स ने जो पावर प्लांट लगा रखे हैं वो इस कदर फरसूदा हैं कि महज 50% अफादियत पर चलते हैं। गोया जो महंगी गैस हुकूमत पाकिस्तान उन्हें खरीद कर देती है ये लाडले उस गैस में से भी आधी जाया कर देते हैं। अगर इनके पावर प्लांट ही बेहतर हो जाएं तो कम अज कम $125 अरब की रियायत घट कर $0.25 अरब रह जाएगी, मगर ये लाडले इस बात का भी तरद्दुद नहीं करते। सवाल ये है कि आखिर रियासत इन अमीर तरीन खानदानों को $125 अरब किस खुशी में देती है। इसका मलफूफ जवाब इतना ही दिया जा सकता है कि ये अमीर तरीन खानदान रियासत के ताकतवर लोगों को खुश रखते हैं। उन्हें अच्छी तरह इल्म है कि इस मुल्क में किस शख्स को कैसे राम करना है और किस तरीके से रियासत के वसाइल पर अपनी इजारादारी कायम रखनी है। हमारे मुल्क में सालाना जितनी गैस पैदा होती है वो ज्यादा से ज्यादा अगले 12 बरस के लिए है, इसलिए हमें हर साल बाहर से महंगी गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है। उस महंगी गैस का एक हिस्सा तो हम 800 अमीर खानदानों की झोली में डाल देते हैं, जबकि बाकी गैस आम सारिफ को लगभग उसी कीमत पर मुहैया की जाती है जिस कीमत पर हमें मकामी गैस मिलती है। आम सारिफ को मुहैया की जाने वाली गैस अगर आलमी कीमत पर मुहैया की जाए तो हुकूमत पाकिस्तान को $10 अरब की इजाफी आमदन होगी, मगर जाहिर है कि इसके लिए गैस महंगी करना पड़ेगी।
लेकिन जाहिर है कि कोई भी हुकूमत ये रिस्क नहीं लेती। असूलन ये होना चाहिए कि लोग अपने घरों में गैस की बजाय बिजली पर खाना पकाएं, जैसा कि बाकी दुनिया में होता है। लेकिन बिजली पर खाना बनाने की सूरत में आपका गैस का बिल तो खत्म हो जाएगा, मगर बिजली का बिल बढ़ जाएगा। इस सारे मसले का कोई आसान हल तो नहीं, अलबत्ता इतना जरूर किया जा सकता है कि आम सारिफ के लिए गैस की कीमत बढ़ाने से पहले 800 अमीर तरीन खानदानों की $125 अरब की सब्सिडी खत्म की जाए, और इसके बाद गैस की कीमत में बतदरीज इजाफा करके $10 अरब के इजाफी बोझ को कम करके $5 अरब तक लाया जाए, जबकि बाकी के $5 अरब की गैस अर्जा निर्ख पर मुल्क के गरीब और मुतवस्त तबके को मुहैया की जाए। अगर हम ये दोनों काम कर जाएं, तो हमारी रियासत के पास अगले चंद माह में कम अज़ कम 3 से 4 अरब डॉलर की बचत हो सकती है, जबकि हम $1 अरब के लिए रुस्वा हो रहे हैं। $125 अरब का जो डाका इस मुल्क के जर्रे मुबादला पर डाला जा रहा है, इसे रोकना कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ दो काम करने हैं। पहला, मुल्क के साहिब इस्तेताद तबके से गैस की वही कीमत वसूल करनी है जो हम इम्पोर्ट के वक्त अदा करते हैं। दूसरा, प्राइवेट जेट में बैठ कर मीटिंग्स में आने वालों को अपना दामाद समझना छोड़ देना है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।